थाना प्रभारी किशनगंज श्री शशिकांत चौरसिया की टीम को पीथमपुर की शिवन इंडस्ट्रीज से निकाला सैंपल ये भेजा गया है, जहां पर मौके पे बाय चांस पांडे जी मिले, जिनसे उनका नाम पता पूछते उन्होंने अपना नाम चंद्र प्रकाश पांडे बताया। शिवम इंडस्ट्रीज की तलाशी लेने पर उस इंडस्ट्रीज में अंडरग्राउंड कई सारे टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स मिले। पांडे जी से शिवम इंडस्ट्रीज के बारे में निकाला सैंपल ये चर्चा करने पर ये बताया कि शिवम इंडस्ट्रीज जिसका मालिक राकेश अग्रवाल है, वो लगभग 3-4 साल से उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इंडस्ट्री में 3 प्रोडक्ट मूलतः बनते हैं, एक शिवा फ्यूल ऑयल जिसको SFO बोलते हैं, गुड, दूसरा लो फ्लैश ऑयल LFO, तीसरा मिक्स्ड सी निकाला सैंपल ये है। SFO मूलतः बॉयलर में आग जलाने के काम आता है, LFO आग की फ्लैश को कम करता है, और मिक्स C9, मिक्स C9 कीटनाशक दवाओं में मिलाया जाता है। मूलतः शिवम इंडस्ट्रीज एक लाइसेंसी इंडस्ट्रीज है जो इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाती है। यह इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने में कहां से निकाला सैंपल, कच्चा माल मुंबई तथा हजीरा तरफ से मंगाते हैं। के काम कर रहा था, अभी पिछले दिनों कुछ और तेजी से और विस्तार किया गया। बताया मैंने आपको, जो इसने जिस नाम से जिन प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, उसके लिए रबर प्रोसेस्ड ऑयल तथा अन्य ऑयल जो मैंने बताया वो मुंबई तथा हजीरा गुजरात तरफ से आते थे, और ये ज़्यादातर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों में ही इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि दूसरे कंपनियों का जो उसने बताया कि उनके पेट्रोल पंपों में आजकल वो पासवर्ड से लॉक खुलने वाले टैंकर चलने लगे हैं, तो उसमें हेरा फेरी नहीं होती। तो प्रत्येक माह करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही थी। राकेश अग्रवाल जो शिवम इंडस्ट्रीज का मालिक है, उसके पकड़े जाने पर और भी ऐसे पेट्रोल पंपों के बारे में जानकारी संभावित है जो इसके ग्राहक होंगे। शिवम इंडस्ट्रीज को पुलिस के द्वारा सील किया गया है। एडिशनल SP महू के नेतृत्व में कहां से निकाला सैंपल इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है। शिवम इंडस्ट्रीज के जो बैंक खाते हैं उनको फ्रीज कराया जा रहा है। एक बहुत बड़े स्तर पर न केवल मिलावटी डीजल पेट्रोल बेचा और खपाया जा रहा था, साथ ही साथ शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि करने वाले वास्तविक माफिया जिसको कह सकते हैं, उसको पकड़ने में पुलिस ने सफलता अर्जित की है। एडिशनल SP मऊ के नेतृत्व में थाना हसनगंज की टीम को 10,000 रुपये के इनाम की उद्घोषणा की गई है। आगे चल के इसमें और कई नई कड़ियां जुड़ेंगी और बड़े बिस्तर पर इसके नेटवर्क का पता लगने की संभावना है।